अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं गरारा डिफरेंट स्टाइल में, मतलब कि आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हम सिंपल गरारे ज़्यादा बनाते हैं, तो आज हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके गरारा बनाएंगे। ये मैंने इसकी कटिंग की है गरारे की, ये उसके ऊपर वाली साइड है और ये बैक है जिसके नीचे हमने चुनस्टानी। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 13 इंच और इसकी जो लंबाई है आप अपने हिसाब से ले लें। ये डबल, ये देखें, ये 4 हिस्से हैं, इसको हम 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखें, 1/5 हिस्से और ये 1/5 हिस्से। ये हमारी कटिंग हो गई है, ये देखें, ये हमारा 1/5 है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काफ़ी लंबा है, ये देखें। और अब हमने इसके ऊपर जो वर्क करना है वो डिफरेंट कलर के कपड़े हैं मेरे पास। ये वाइट कलर है, ये ब्लू कलर है और ये रेड कलर है। अब ये रेड, हमने इन कलरों का हमने इसके ऊपर लाइनिंग लगानी है, जो कि हमारी कलरफुल सी लाइनिंग लग जाएगी वाइट के ब्लैक के ऊपर और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब हमने जितनी लंबाई इसकी है उतने हिसाब से हमने इसकी लंबाई भी कट कर लेनी है और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच रखेंगे तो 1/2 इंच इधर से अंदर चला जाएगा और 1/2 इंच इधर से अंदर चला जाएगा, तो हमारा 2 इंच की ही बचेगी। हम इसे 3 इंच के पैनल जो है वो काट लेते हैं 3 इंच। आप इसके अंदर चाहें तो स्टिकी पेपर लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप ना लगाएं। आप इसको सिंपल तरीके से इस तरह से, ये देखिए, इस तरफ से मोड़ के और इस तरफ से मोड़ के इस तरह की पट्टी भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। हम सबसे पहले इसके ऊपर रेड पट्टी लगाएंगे, फिर उसके बाद ब्लू पट्टी लगाएंगे और उसके बाद फिर हम व्हाइट पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, हमने 3-3 इंच के कट कर लेने, कटिंग हो गई है। अब हमने इसको इस तरह से रख के इस तरफ से भी मोड़ देना है और इस तरफ से भी मोड़ देना है और हम इसके सबसे बैक वाले हिस्से पे इसकी लाइनिंग लगाएंगे। ये हमने पट्टियाँ लगा ली हैं, 2 कलर की ये मैंने लगाई हैं, ये व्हाइट और ये रेड वाली। अब हम इसके सेंटर में है जो ब्लू कलर की लगाएंगे, हम इसका देख लेंगे कि दरमियान कहाँ पे है, वहाँ रख के हम इसके ब्लू कलर की पट्टी लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से तरफ से भी हमने इसको इस तरह से मोड़ देना है और इस तरफ से भी हमने इस तरह से, ये देखें, इस तरह से इसको मोड़ना है दोनों साइडों से। इस तरह से ये हमारी तीसरी पट्टी लग जाएगी। ये जब हमारी पट्टी लग जाए तो हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा, तो हमने इसके साथ साथ यूँ चूंट्स डाल देनी है। ये हमारा 1/5 बन जाएगा इस तरह से, और उस तरह भी हमने इसी तरह लगा के इसके साथ साथ चूंट्स डालनी है, तो हमारा दूसरा 5 रेडी हो जाएगा। ये हमारी तीसरी पे वो लग गई है, मैंने ये तीसरा पैनल भी लगा लिया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको इस तरह से उल्टा रख के यहाँ से इसको पकड़ के और यहाँ हमने इसके साथ साथ इस तरह प्लेट्स डाल देनी है, ये चूंट्स जिसे कहते हैं वो डाल देनी है। ये देखें, इस तरह से दोनों पौचों के इसी तरह से हमने डालना है। ये जितना बड़ा हमने कपड़ा रखेगा ये इतनी ही खुली उसकी चूंट्स चलेंगी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत चुन्स डालेंगे यहाँ पे, इतना खुला हम रखेंगे। तो हम ये पहले चुन्स डाल लेते हैं यहाँ पे दोनों पांचों की। देखिए, ये हमने चुन्स डाली हुई हैं और ये हमारा कपड़ा भी लग गया। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये हमारे गरारे का कपड़ा लग गया। अब हमारे पास ये जो पड़ी है ये बाजार से इजीली मिल जाती है, इसको मगजी भी कहते हैं, इसको लोग फोल्ड करके भी लगाते हैं इस तरह से, पर हम इसको सीधा यूँ रख के इसकी सीधी सीधी लाइनें लगा देंगे। इधर लगाएंगे और इस तरह लगाएंगे, दोनों साइडों पे लगा लेंगे हम। हमने लगा ली हुई है, इसके साथ बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। ये गरारा हमारा बहुत ही खूबसूरत बना है, फैंसी भी हो गया और ये खूबसूरती भी आ गई इसमें। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे और मेन सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने गरारे की जो है चुन्स मेन वाली डाल दी हुई है। ये देखें, ये हमारा गरारा जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है और बहुत प्यारा लग रहा है। सिंपल सा बनाया है हमने, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप भी इसी तरह घर के कपड़े यूज़ करके अच्छा चीज़ बना सकते हैं। और ये इसके साथ की शर्ट जो कि बहुत ही सिंपल सी है और बहुत अच्छी लग रही है इसके साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। आप अपनी दुआ में याद करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।